मिर्ची बॉलीवुड। साल 2008 में शुरू हुए सब टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 10 साल पूरे होने वाले हैं। ये एक ऐसा शो है जिसने बिना रुके इतने लंबे टाइम तक अपने फैंस को एंटरटेन किया है। शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना तो इसमें कभी कोई लीप आया है और ना ही कभी शो के कैरेक्टर्स को लेकर कोई छेड़छाड़ हुई है। यही कारण है कि दर्शक इस शो से आज तक कनेक्टेड हैं। और अब देखते ही देखते जेठालाल लोरन की गोकुल धाम सोसाइटी अपने 11वें साल में कदम रखने जा रही है। 28 जुलाई को ये शो अपने 10 साल पूरे कर लेगा। लेकिन शो के डॉक्टर हंसराज हाथी का रोल प्ले करने वाले कवि कुमार आजाद की अचानक मौत का इस शो के मेकर्स और पूरी टीम को इतना बड़ा सदमा लगा है कि उन्होंने शो की 10वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन को कैंसिल करने का फैसला लिया है। कवि कुमार शुरू से ही शो का हिस्सा थे। शो में वैसे तो वो कम ही दिखाई देते थे, लेकिन वो जब भी स्क्रीन में आते थे फैंस का दिल जीत लेते थे। और इसी के चलते पूरी टीम ने शो के 10 साल के सेलिब्रेशन को कैंसिल करने का प्लान बनाया है। बता दें कि 2008 में शुरू हुए शो ने अब तक 2500 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और छोटे पर्दे से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।